पृथ्वी पर गंगा के बारे में और गंगा के मेन मेन क्वेश्चंस आपके क्या क्या बन सकते हैं समझ लीजिए। देखिए गंगा का जो उद्गम है वो गोमुख है, क्या है? गोमुख। और गोमुख से यहाँ तक गंगोत्री तक करीब 18 किलोमीटर की दूरी है और गंगोत्री से गंगा शुरू होती है और फाइनली कहां पर जाती है? बंगाल की खाड़ी। यहां तक जाने में उसकी जो लंबाई है वो होती है दोस्तों 2525 किलोमीटर। और यहीं पे एक प्रश्न पैदा होता है कि भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? क्या दूसरे रूप में पूछा जा सकता है कि भारत में बहने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गंगा। दोस्तों गंगा जब देवप्रयाग में आती है उससे पहले की कहानी है कि ये भागीरथी होती है देवप्रयाग में आने से पहले। तो क्या होता है दोस्तों, इस पॉइंट पे जो मैंने दिखा है मैंने बी प्लस ए लिखा है। बी का मतलब है भागीरथी, मतलब एक तरफ से आई भागीरथी, एक तरफ से आई अलकनंदा, दोनों आके मिली देवप्रयाग में। तो एक तरफ से भागीरथी, एक तरफ से अलकनंदा और बन गया देवप्रयाग। समझ में आ गया? आपसे देवप्रयाग में दो नदियों का संगम पूछा जा सकता है। अब ए और पी का मतलब क्या है? एक तरफ से अलकनंदा, दूसरी तरफ से पिंडार। और दोस्तों अलकनंदा प्लस पिंडार बराबर करण है। एक तरफ से अलकनंदा, एक तरफ से मंदाकिनी, एक तरफ से अलकनंदा, एक तरफ से मंदाकिनी, एक तरफ से धोली गंगा, एक तरफ से अलकनंदा बनता है विष्णु। तो ये चारों प्रयाग आपको समझ में आ गए। पांचवे प्रयाग राज के बारे में आगे पढ़ेंगे हम लोग। अब ये चार स्टेटों से होकर गुजरती है, सुनिए। पहला स्टेट कौन सा है? उत्तराखंड। उत्तराखंड प्लस यूपी। वेरी गुड, शाबाश। आगे बोलो। बिहार, बंगाल, वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश। प्लस हम एक स्टेट की बात कर रहे तो बांग्लादेश। तो हमारे स्टेट कितने हो गए? चार। पहला उत्तराखंड, दूसरा यूपी, तीसरा बिहार, चौथा वेस्ट बंगाल, लास्ट में बांग्लादेश। और बांग्लादेश के बाद जाती है बंगाल की खाड़ी। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए जो मेन शहर है उत्तराखंड के वो हम दो बताते हैं आपको, एक ऋषिकेश और एक दूसरा हरिद्वार। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है ऋषिकेश और हरिद्वार कौन सी नदी के किनारे पर है, तो क्या आंसर है? आगे दोस्तों यूपी में जब जाती है तो जगह आती है गढ़ मुक्तेश्वर। क्या है? गढ़ मुक्तेश्वर। जिले में है एक गढ़ मुक्तेश्वर जहाँ पे हिंदू धर्म के लोग अस्थि विसर्जन के लिए भी जाते हैं। तो एक गढ़मुक्तेश्वर है, उसके बाद एक बरौनी है, बरौनी के बाद फरुखाबाद और जहाँ पे राजपूत सेंटर है जहाँ फतेहगढ़, फरुखाबाद में ही आता है, कानपुर, बनारस और प्रयागराज। ये सारे के सारे शहर उत्तर प्रदेश में है और गंगा नदी के किनारे में। ध्यान देने वाली बात है कि सबसे ज्यादा अगर गंगा को कोई गंदा करता है तो दोस्तों ये कानपुर, करेक्ट, क्योंकि चमड़ा उद्योग है वहां पे। अब दोस्तों एक तरफ यमुनोत्री से 1376 किलोमीटर की दूरी तय करके गंगा में आकर मिलती है दोस्तों, सॉरी यमुना आती है गंगा में मिलने के लिए, कहां मिलती है? प्रयागराज में। और प्रयागराज में जब ये मिल जाती है तो गंगा का फ्लो और ज्यादा बढ़ जाता है। तो आपसे पूछा जा सकता है गंगा प्लस यमुना का संगम कहलाता है प्रयागराज। और यहीं पे एक प्रश्न पैदा होता है कि भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? यमुना। ठीक है। और ये चार प्रमुख शहर दिल्ली, आगरा, कौन सी नदी पर है? यमुना नदी पर। कहां पर है? यमुना नदी पर। आगे दोस्तों देखिए कि अगर हम बात करें बिहार की तो बिहार में प्रमुख शहर है भागलपुर और दूसरा है दोस्तों पटना। ये दोनों के दोनों शहर भी कहां पर है? आ जाओ अपन, कहां पर है दोनों? बिहार। आगे दोस्तों देखो, अब जब ये नदी कहां जाती है बंगाल में, एक उसकी छोटी सी ट्रिब्यूटरी है जिसका नाम है हुगली, और हुगली है कहां पर? रहेगा। अब ये नदी फाइनली जा रही है कहां पे? बांग्लादेश।
कहाँ जा रही है? बांग्लादेश। और गंगा को बांग्लादेश में कहते हैं पद्मा। ये पद्मा कह दिया। और फाइनली ये कहाँ जाके गिर गई? बंगाल की। इतनी बात सबको समझ में आ गई। आप दोस्तों हम बात करेंगे भारत की सबसे बड़ी नदी, जिसको लोग मानने की गलती करते हैं, वो भारत की सबसे बड़ी नदी नहीं है, ब्रह्मपुत्र। उसकी लंबाई कितनी है? 2800, लेकिन भारत में मात्र बहती है 900। अब बात करेंगे दोस्तों ब्रह्मपुत्र की, जो कि कैलाश मानसरोवर से निकलती है, भारत के अरुणाचल में प्रवेश करती हुई, आसाम में प्रवेश करती हुई, और यहाँ पे एक डेल्टा बनाती है, सुंदरवन डेल्टा। तो गंगा प्लस ब्रह्मपुत्र नदी क्या बनाती है? सुंदरवन डेल्टा। और दोस्तों यहीं पे क्वेश्चन पैदा होता है कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो डेल्टा, करेक्ट। अब दोस्तों यहाँ पे जब ये दोनों नदी यहाँ इस पॉइंट पर आके मिलती है, तो गंगा प्लस ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा कहलाती है मेघना। मेघना कहलाती है। क्या कहलाती है? मेघना कहलाती। याद रहेगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? जमुना। अब दो पॉइंट और आएंगे आपके यहाँ पे इंपॉर्टेंट, कि यहाँ पे एक पुल है भूपेन हजारीका, जो आसाम को अरुणाचल से जोड़ता है, आसाम को अरुणाचल, और उस पे एक सहायक नदी है जिसका नाम है क्या है? लोहित। लोहित। क्या नाम है? लोहित। लोहित पर बना हुआ है 9.15 किलोमीटर का भारत का सबसे बड़ा नदी पुल, जिसका नाम है भूपेन हजारीका, जो दोनों तरफ से कनेक्ट करता है, एक तरफ से ढोला को, एक तरफ से सदिया को। ढोला सदिया, इसलिए इसका नाम ढोला सदिया सेतु भी कहा जाता है। डाउट है इतने में? डाउट। अब दोस्तों जो गंगा नदी है, इसकी कुछ सहायक नदियां और है। कौन कौन सी है? देखिए ध्यान दो जरा। आपने सुना होगा गोमती। सुना है गोमती? क्या है गोमती? गोमती। गोमती ऐसा फील होता है जैसे लड़की का नाम हो गया। ये सारी नदियां लड़कियों के नाम पे है, एक तरह से है ना, मंदाकिनी, गंगा, अलकनंदा। हाँ, अलकनंदा। अब गोमती के बाद है गंडक। कौन सी है? गंडक। अब ऐसा नाम है तो भाई मैं क्या कर सकता हूँ? गंडक। गंडक के बाद है घग्गर। घग्गर के बाद है सोन। दामोदर भी है, चंबल भी है ना, ये सारी की सारी। दामोदर भी है, उसके बाद कोसी है और चंबल। अब दोस्तों देखो कैसे पूछा जा सकता है आपसे। आप समझ गए होंगे। कितने लोग समझ गए? हाँ, जो लोग समझ गए वो अगले को समझा देना, और अगर नहीं समझ पाए तो फिर मैं धीरे सी, इसकी एक ट्रिक है मेरे पास में, बड़ी तूफानी सी है, अभी नहीं बताऊंगा मैं आपको। कैमरा चलने दो, बता दूंगा। अच्छी ट्रिक है लेकिन थोड़ी सी फॉर्मल नहीं है, वो इनफॉर्मल है, बता दूंगा, है ना। तो अभी हमारे पास में मात्र शक्ति विराजमान है, इसलिए हम नहीं बता सकते। और जब अकेले मिलोगे या दूसरी क्लास होगी तो इसकी बहुत बेहतरीन ट्रिक है जो कभी नहीं। चलिए जय हिंद राम।